أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. और जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लोगों का मर्जा या आने जाने लौटने का एक जरिया बना दिया और अमन व अमान का सबब मरकज़ बना दिया, तो मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। और हमने इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये अहद पैमान लिया कि मेरे घर को तवाफ़ करने वाले, एतिकाफ़ करने वाले और रुकू सजदे करने वालों के लिए पाक साफ रखें। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 125 है। फरमाया अल्लाह ताला ने कि हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए मर्जा बनाया। मर्जा क्या? यानी पूरी दुनिया यहाँ आएगी और फिर वापस लौटकर अपने घरों पे जाएगी। पूरी दुनिया में इंसान जहाँ भी होता है उसका रुख अल्लाह के घर की तरफ होता है। हैथुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शत्रह, जहाँ भी रहो, रब की इबादत कर रही है तो तुम्हारा रुख बैतुल्लाह की तरफ होना चाहिए। एक तो मर्जा ये हुआ, चाहे जिस तरफ भी आदमी हो, इबादत है तो उसका रुख बैतुल्लाह की तरफ होगा। उसके बाद पूरी दुनिया से इंसान कस्द करके, तवाफ़ का कस्द और इरादा करके जाता है और उस घर का तवाफ़ करता है। ये मर्जा है। और मकाम इब्राहिम कहा कि इसको मुसल्ला बनाओ, यहाँ पर नमाज पढ़ो। और फिर बैतुल्लाह को अल्लाह ने अमन व अमान का शहर और अमन वाला बनाया। अमन क्या है? अल्लाह ताला ने उसे अल हराम कहा, बैतुल्लाह, और फिर मस्जिद हराम उसका नाम दिया। हरम की हदूद मुकर्रर की, जैसे तनीम है, इधर जद्दा से जाएंगे शुमैसी है, चारों तरफ हदूद हरम है। इस हरम की हदूद में कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, कत्ल, खून नेजी, कताल उससे हराम है। उसके जानवर नहीं शिकार किए जाएंगे, दरख्त के पौधे नहीं काटे जाएंगे। यानी अमन व अमान अल्लाह ताला ने अता किया, जिसको कहते हैं अल हराम, मस्जिद हराम। मर्जा भी है, अमन व अमान का मरकज भी है। पूरी दुनिया में अमन व अमान का मरकज भी अल्लाह का घर। अल्लाह के घर में मकाम इब्राहिम है। मकाम इब्राहिम काबा के मशरकी सम्त में। अब वहां जब आप जाएंगे तो चारों तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, तो वहां बहुत जल्दी आदमी नहीं जान पाता है किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, क्योंकि सारी समतें अल्लाह की है, नमाज पढ़ना है। लेकिन ये जान ले कि सफा मरवा, मीना, अरफात, ये सब मशरकी सम्त में है। मकाम इब्राहिम काबा का दरवाजा और उसके बाद है मशरकी सम्त में। उसको मकाम इब्राहिम क्यों कहते हैं? मकाम कहते हैं खड़े होने की जगह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबा तामीर कर रहे थे तो एक पत्थर था जिस पे खड़े होते थे, और दीवार जब तामीर करता आदमी तो 1 मीटर के करीब पहुंचती है या उसे कंधे के बराबर, तो फिर मिस्त्री या मजदूर क्या करता है कि पटरा या बल्ली लगाएगा ताकि ऊपर चढ़े, और जितने ऊपर दीवार जाएगी उसको उसी तरह के सहारे की जरूरत है, जहां जिस तरह का मिजाज होता है, कहीं ईंट रख करके फिर पट्टर रखेंगे ताकि आदमी ऊपर तक अच्छी तरह से दीवार को बना सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर मुकर्रर किया और उसी पर खड़े होकर काबे की दीवारों को बनाते थे। और जब दीवारें ऊंची हो गई तो उसके बाद क्या किया कि अल्लाह ताला ने उस पत्थर को ही ऊंचा कर दिया। जैसे जैसे दीवार ऊपर हो, कमोबेश 5 मीटर काबे की दीवारें हैं लंबाई, तो अब
पत्थर ऊपर होते जाता है, वो पत्थर ऊपर और फिर जब नीचे आते फिर वो पत्थर नीचे आ जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखा उस पत्थर को, और उसके बाद फिर हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि यहां पर नमाज पढ़िए, ये जो पत्थर जहां रखा है अब यहां नमाज पढ़िए। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह दूसरे अलम ने लिखा है कि मुआफ़क़ात उमर, यानी शुरू में नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। जब एक मरतबा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाहिश जाहिर किया कि ये जो पत्थर है हम यहाँ कहीं नमाज पढ़ लेते, तो अल्लाह ताला ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इस ख्वाहिश को पसंद किया और आयत उतारी, वत्तखिज़ू मिन मक़ामे इब्राहीम मुसल्ला, तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। यानी तवाब से जब फारिग हो जाओ, आपने उसका तरीका बताया कि तवाब से फारिग हो जाओ तो मकाम इब्राहिम के पीछे जाकर के दो रकात नमाज पढ़ो, और फिर इस घर को बैतुल्लाह को तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए, यानी नमाजियों के लिए हमेशा तुम इसको पाक साफ रखो। हुक्म किसको है? इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने इमामत किसको दी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डिमांड क्या की कि मेरी औलाद को भी। अल्लाह ने यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी उस इमामत में शरीक किया, उनकी औलाद को भी शरीक किया। इसीलिए औलाद के हक में हमेशा खैर और भलाई की दुआ करते रहनी चाहिए। कोई नहीं जानता कि उसकी औलाद कहाँ तक पहुँचेगी, अल्लाह कहाँ तक पहुँचाएगा वालदैन की दुआओं से। अच्छी तरबियत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनके हक में दुआएं करते रहना चाहिए। तो इस तरह अल्लाह ने इमामत भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी, उनके घराने में तवल्लियत, काबा के मुतवल्ली, ये वाहिद मस्जिद की अल्लाह उसका मुतवल्ली भी मुकर्रर करा, इमाम भी मुकर्रर किया, मुतवल्ली भी मुकर्रर किया अल्लाह ताला ने। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर रुक्अस सुजूद। पूरी दुनिया इंसान के लिए अल्लाह ने मस्जिद बना दी है। दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आदमी नमाज पढ़े तो नमाज ना हो, इबादत हो जाएगी। लेकिन काबा को अल्लाह ने जो मकाम दिया वो पूरी दुनिया की किसी मस्जिद को नहीं दिया। एक नमाज पढ़ने से 100,000 नमाज का अज्र मिलता है। ये उस घर को अल्लाह ने ये एजाज दिया, और अल्लाह के घरों को पाक साफ रखना चाहिए। पाक साफ रखने की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। एक तो शिर्क और बुतों की गंदगी से पाक साफ रखा जाए, कुफ्र की गंदगी से पाक साफ रखा जाए, और दूसरे जो जाहिरी गंदगी है उससे पाक साफ रखा जाए। तो इस आयत से जो चंद मसाइल साबित होते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 125 से, पहला मसला कि बैतुल्लाह अमन व अमान की जगह है, और उसी से जो दूसरा मसला साबित होता है के लोगों के लिए मर्जा है। एक तो ये कि जो जहां है वहीं से उसकी तरफ रुख कर लेता है, एक मर्जा ये हुआ, और दूसरी सूरत कि दुनिया में कहीं भी इंसान हो जब उसे हज या उमरा करना है तो उस घर के पास आएगा और तवाफ करेगा। ये भी मर्जे की एक बहुत मजबूत सूरत है। वह इज्जाल बैत मसाबतन लिन्नास व अमना। तीसरा जो मसला साबित होता है कि मक्का हरम है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे हरम करार दिया, वहां खून नहीं बहाया जाएगा, दरख्तों को नहीं काटा जाएगा, किताल को अल्लाह ने हराम करार दिया। यहां तक कि मुशरिकीन के बारे में भी कहा कि वला तुकातिलुहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युकातिलुकुम फीह फइन कातलुकुम फक्तलुहुम। आप लड़ाई ना लड़िए उनसे, हाँ वो अगर जंग करें और बजिद हो तो फिर आप उनसे वहां पर लड़ाई लड़िए, दिफा कीजिए। ये खसूसी इजाजत अल्लाह ने अता की।
चौथा जो मसला साबित होता है इस आयत से कि मकाम इब्राहिम पर दो रकात नमाज पढ़ना, जैसे तवाफ करेंगे, जब भी तवाफ करें, हज का तवाफ करें, उमरे का तवाफ करें, कोई नफली तवाफ करें तो भी दो रकात नमाज पढ़ना है, यानी हर तवाफ के बाद दो रकात नमाज पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है। उलमा ने इसके वाजिब और सुन्नत होने में इख्तलाफ किया है, लेकिन सही यह है कि तवाफ की दो रकातें वाजिब है, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया वत्तखिदु, पढ़ो, लाजिम पकड़ो, तो अल्लाह का हुक्म वजूब के लिए है। ये तवाफ की दो रकातें, पांचवा मसला, हमेशा हल्की पढ़ी जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें लंबी पढ़ते थे, पैर सूज जाते, लेकिन तवाफ की दो रकात बिल्कुल हल्की पढ़ते। खुलियाउल काफिरून पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद, दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद सूरह फातिहा के बाद। ये हिकमत कितनी प्यारी है, क्योंकि पूरी दुनिया का वो मर्जा है, पूरी दुनिया वहां पर तवाफ करती है। आजकल तो भीड़ कम होगी, लेकिन फिर भी अच्छी खासी शुरू हो गई, लेकिन रमजान में, हज के दिनों में पूरा सहन भरा रहता है। वहां नमाज पढ़ने की आपको जो है जगह बड़ी मुश्किल से मिलेगी। अगर आपको वहां नमाज पढ़ना है, जगह मिल गई, तो हल्की पढ़िए, ताकि तवाफ करने वालों को तकलीफ ना हो। वहां हल्की पढ़ने की वजह अल्लाह के घर का तवाफ करने वाले अत्ताइफीन वलाकिफीन वरुक्कई सुजूद, इनको दिक्कत और परेशानी ना हो। और ये दो रकातें आप पूरे हरम में कहीं भी पढ़ सकते हैं। आले इल्म ने लिखा कि आप तवाफ की मकाम इब्राहिम के पीछे दो रकात नमाज पढ़े। अगर मकाम इब्राहिम पे भीड़ है और पीछे चले जाइए, सफ़ा मरवा की समत जाइए, और वहां से मकाम इब्राहिम को आगे कीजिए और नमाज पढ़िए। और इसकी भी सूरत नहीं तो पूरे हरम में कहीं भी तवाफ की दो रकात आपको पढ़नी है। वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। छठा जो मसला साबित होता है इस आयत से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा अल्लाह के नजदीक, जब अल्लाह ने कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं आपको इमाम बनाना चाहता हूं लोगों का, और उनके कदमों के जो निशान जिस पत्थर पर थे, उस पत्थर के पास कहा कि सबको नमाज पढ़ना है। ये इमाम, अल्लाह के चुने हुए इमाम का मकाम मर्तबा, और उनको तवल्लियत भी काबा की अता की, जिम्मेदारी भी अता की, ये उनका मकाम मर्तबा है। सातवां जो मसला इस आयत से साबित होता है, तवाफ की फजीलत, काबे का तवाफ और उसकी फजीलत। तवाफ की फजीलत क्या है? तवाफ के बारे में हदीसों में आता है कि काबा का जब बंदा तवाफ करता है तो उसके हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जैसे आम दिनों में जब भीड़ कम होती है, जैसे मुहर्रम के पहले हफ्ते में जब हुज्जाज चले जाते हैं, हफ्ता 10 दिन तक उमरा का वीजा बंद रहता है, आप जाएंगे बिल्कुल खाली, 5 मिनट में पूरा सातों चक्कर हो जाएगा, हजरत अस्वद भी पा जाएंगे। और भीड़ जब शुरू हो जाती है तो कभी कभी आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटे तवाफ में लगता है, और बल्कि नीचे सहन भरा है तो ऊपर से तवाफ करेंगे तो कम से कम 10 किलोमीटर हो जाएगा एक तवाफ का, इतना लंबा हरम का जो हदूद है। जितना ज्यादा आप दूर होंगे, अल्लाह की हिकमत देखिए, दूर से तवाफ करेंगे तो आपका कदम ज्यादा होगा और आपका अज्र बढ़ जाएगा। एक ही तवाफ होगा 7 चक्कर का, चाहे नीचे से करें 10 मिनट में, चाहे 1 घंटे में दूर से करें, लेकिन अल्लाह ने तवाफ तो एक रखा, लेकिन तवाफ के कदम पर अज्र बढ़ा दिया। ये अल्लाह की हिकमत, बंदों के साथ अल्लाह की शफकत और मेहरबानी, कि 1 7 चक्कर का एक तवाफ सबका होगा, चाहे आप जमीन पे करें, सवारी पे करें, ऊपर से करें, फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से, हेलीकॉप्टर से तवाफ करें, एक तवाफ 7 चक्कर का करना है। लेकिन दूर अगर हो गए तो हर कदम पर एक नेकी और एक गुनाह माफ होते हैं। ये तवाफ का अल्लाह ने फायदा मुकर्रर किया। आठवां जो मसला इस आयत से साबित होता है कि अल्लाह के घर काबतुल्लाह को पाको साफ रखना जरूरी है।
वो सफाई और पाकीजगी शिर्क से साफ सुथरी होनी चाहिए, गुनाहों से पाक सुथरी, क्योंकि वहां बुरे काम गंदी या गुनाह नहीं करना है। और दूसरी जो सूरत है सफाई की कि बंदा उसको गंदगी से, पेशाब से, पैखाने से और दूसरी जो गंदगी है, इन गंदगियों से अल्लाह के घर को और सारे घरों को साफ रखा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिदें इबादत के लिए बनी हैं, ये गंदगी फैलाने, पेशाब पैखाने या कजाए हाजत के लिए नहीं बनी हैं। नौवां जो मसला साबित होता है इस आयत से, एतिकाफ एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ने मशरू करार दिया, बंदा कहीं भी रहे वो एतिकाफ करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान में 10 रोज का एतिकाफ आखिरी अशरे का करते थे, और जिस साल आपकी वफात हुई आपने 20 रोज का एतिकाफ किया। एतिकाफ की सबसे बेहतर शक्ल ये है कि बंदा बैतुल्लाह में, काबा में एतिकाफ करे, और फिर मस्जिद नबवी में फजीलत है, और फिर बैतुल मुकद्दस में। हदीसों में है कि इन 3 मसाजिद के अलावा एतिकाफ कहीं दुरुस्त नहीं। अहले इन मैंने लिखा कि जिसको इन 3 मस्जिदों में एतिकाफ की सहूलत है, ताकत है, इस्तेआत है, तो उसके लिए जायज नहीं कि ये मस्जिदें छोड़कर छोटी मस्जिदों में और कहीं जाकर एतिकाफ करे। और अगर जो इन 3 मस्जिदों में एतिकाफ नहीं कर सकता, तो फिर उसे जितनी भी मस्जिदें हैं जमीन पर उन मस्जिदों में एतिकाफ करना चाहिए। एतिकाफ अल्लाह का एक हुक्म है, रब से कुर्बत का एक जरिया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सुन्नत है एतिकाफ। एक साहब बंबई के हैं, हर साल वो एतिकाफ करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक साल मक्के में एतिकाफ करता हूँ, एक साल मदीने में। तो ये उनकी मोहब्बत है मक्के और मदीने से, लेकिन जब उनको ये बताया गया कि मक्के में एक नमाज का सवाब 1 लाख है, मदीने में 1,000 है, अगर आप अज्र लेना चाहते हैं तो मक्के में अज्र ज़्यादा है, मदीने में रहिए, एतिकाफ कीजिए, नमाजें पढ़िए, लेकिन अल्लाह ने अपने घर मक्के को फजीलत ज़्यादा दी है इबादत के मामले में। लेकिन बंदे को मक्का हो या मदीना, दोनों शहरों से, दोनों मस्जिदों से पूरी पक्की और सच्ची मोहब्बत रखनी चाहिए। ये फजीलत अल्लाह ने दी है, इंसान नहीं तकसीम कर रहा मक्के मदीने की फजीलत, अल्लाह की तरफ से फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की है। 10वां और आखिरी मसला जो शायद से साबित होता है कि रुकू सजदा, जहां रुकू सजदा का जिक्र आए उससे मुराद नमाज होती है। नमाज ही एक ऐसी इबादत है जिसमें रुकू और सजदा का जिक्र है, और कहा कि तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए और रुकू सजदा करने वालों के लिए, यानी नमाजियों के लिए मेरे इस घर को पाक साफ रखो। रुकू सजदा यानी नमाज तकर्रुब इलल्लाह का बेहतरीन जरिया है, अल्लाह से कुर्बत के लिए सबसे बेहतरीन जरिया नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा जब सजदे में होता है तो अल्लाह से बहुत ज्यादा करीब होता है। जिस्म के 7 हिस्से ऐसे हैं कि जब बंदा सजदा करता है तो वो हिस्से जमीन पर पड़ जाते हैं। आप देखें कि दोनों हाथ और उसके बाद दोनों पैर, दोनों घुटने 6 हुए और पेशानी और नाक यानी सर का यह हिस्सा सजदे पर होता है। अल्लाह को सजदा इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मेरी तस्बीह बयान करने के लिए बंदा अपने जिस्म के 7 हिस्सों को जमीन पर रखता है, और सजदा करना तकर्रुब इलल्लाह का जरिया है। वस्जुद वक्तरिब, सूरह अलक की आखिरी आयत की, सजदा करो और अल्लाह से करीब हो जाओ। तो हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ और इसी तरह से एतिकाफ और सजदा रुकू करने वालों के लिए पाको साफ रखो। क्यों? ये तीनों इबादतें सिर्फ अल्लाह से कुर्बत के लिए है। इसीलिए हुज्जाज को जो है ये
सहाफी की जबान में, आम जबान में मेहमान कहा जाता है, जुयूफुल्लाह, अल्लाह के मेहमान, मेहमान हरम। और जो हरम के मुतवल्ली होते हैं, है तो वो किंग और बादशाह पूरे मुल्क के, लेकिन अपने लिए उन्होंने लकब इख्तियार किया खादिमुल हरमैन शरीफैन, कि हरमैन शरीफैन के खादिम, यानी वहां का जो मुतवल्ली है वो खादिम कह करके भी अपने आप को एक तरह से बहुत बड़ा एजाज समझता है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग जो जाते हैं वो अल्लाह के मेहमान के तौर पे। तो कहा कि इस घर को पाक साफ भी रखना है, आने वालों की भी तकरीम करना है, और हर किस्म की गंदगी से पाक रखना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए, अमल साले अता फरमाए, और हुज्जाज किराम और उम्रा करने वालों की जो खिदमत और उनकी जो सहूलत जो फराहम कर रही है सऊदी हुकूमत, हुकूमत खादिमुल हरमैन शरीफैन, अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और पूरी उम्मत की तरफ से उन्हें बेहतरीन बदला अता फरमाए और उन्हें हरमैन शरीफैन की तवल्लियत पर कायम व दायम रखे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन।